आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ शेयर करो यार प्लीज। लाइट्स कैमरा रोलिंग। दोस्तों आज हमारे साथ हैं इस सदी के जाने माने लेखक मिस्टर अशोक। नमस्कार सर, इतने दिनों बाद आप हमारी शो में आए हैं। मेरा पहला सवाल, आपने नौकरी क्यों छोड़ी, वो भी पुलिस की? क्यों आपने राइटर बनने का सोचा? पुलिस की नौकरी के 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे केस हैंडल किए, उन्हें मैंने सॉल्व किया, लेकिन आखिरी में एक ऐसा केस आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं ये कहानी बताने लगा तो ये सो ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, जनता सुनना चाहती है। मेरा नाम अशोक चतुर्वेदी है। ड्यूटी के करीब 14 साल के बाद मैंने केस सॉल्व किया। कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहते हो? आसान होता होगा नहीं किसी को मार के भूल जाना? काश इतना आसान होता किसी अपने को खो के भूलना। बिजनेसमैन हो, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, कुछ याद आया या और याद दिलाऊं? कौन हो तुम? उस रात की एक्सीडेंट याद है? मेरे परिवार को मेरी इन आंखों के सामने मार डाला श्रीनु, मगर तुम कौन? तेरी मौत। नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज, तुम्हें जितनी पैसे चाहिए मैं दूंगा। प्लीज तुम्हारे लिए मैं बात करूंगा। नहीं, हम दुश्मन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते। हेलो, इंस्पेक्टर अशोक स्पीकिंग। सर मैं निकम्मल मेंटल हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर हमारा एक बहुत ही खतरनाक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग चुका है। हाँ हाँ, पुलिस वालों को और काम धंधा ही क्या है, पागलों को ही पकड़ेंगे ना। सॉरी सॉरी, मैं काम नहीं कर सकता, आप किसी और से कांटेक्ट कीजिए। एक बार बोला ना अशोक, किसी ने एक पुलिस वाले को मार दिया है, हमारी एरिया का है। सर कहाँ पर? आशापुरी सोसाइटी के पीछे वाले जंगल में। ओके सर, सर मैं अभी टीम लेके वहाँ पहुँचता हूँ। नहीं नहीं, इसमें पुलिस की बदनामी है, इस केस को अनऑफिशियल हैंडल करो। यस सर। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सर इसके पहले वहां पर 2 मर्डर हुआ है,
कब हुआ ये सब? सर, कुछ दिन पहले उनको भी ऐसे बेरहमी से मारा गया। कौन है वो लोग? सर, ये दोनों मिनिस्टर समीर और बिजनेसमैन ओम है। उसी ने किया है और आगे भी और करेगा। जिनका भी मौत हुआ है उनका किसी एक घटने से ताल्लुक है? पता नहीं सर। पता करो और जल्दी से पता करके मुझे बताओ। उम्मीद है ये लेटर आपको ही मिला होगा सर। जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो मैं अपना अगला कदम उठा चुका हूँ। मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ ये जानने के बाद आप शायद अपनी नौकरी छोड़ देंगे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर पता चल गया। मैं अभी आता हूँ। सर बहुत ढूंढने के बाद मुझे इन चारों के एक केस के बारे में पता चला जिसे मिनिस्टर समीर ने अपना पावर का इस्तेमाल करके दबा दिया था। ये शायद उसका बदला ले रहा है। कौन किया ये इम्पोर्टेंट नहीं, अभी डॉक्टर को बचाना इम्पोर्टेंट है। किस तरफ? सर राइट में। चल बता डॉक्टर, तूने आज तक कितने ऑपरेशन किए? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कमाल है, कोई मुझे जानता ही नहीं। जान जाओगे बहुत जल्द। हैंडसम सर, ये आखिरी काम है सर। तब भी नहीं करने दूंगा। डॉक्टर कैसा होगा अगर मैं तेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिख दूं? श्रीनु पता है तुझे मैंने तुझे हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई? साला मरेगा तू।
प्लॉट नंबर 112। क्या प्लॉट नंबर 112 पे आप ही रहते हैं ना? आपकी पत्नी सुभद्रा और बच्चे राजू और चुम्मी? जरा सोचिए सर, भाभी जी सब्जी लाने मार्केट गई हैं, वापस ही ना आई तो? बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल से वापस ही ना लौटे तो क्या होगा सर? सोचिए सर। तेरी तो सर फॉर्मेलिटीज आर गुड बिटवीन स्ट्रेंजर्स, अब तो हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं, है ना सर? और मुझे ये फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। चल जल्दी बता, क्यों किया है सब? सर मेरा नाम श्रीनु है, पूरा नाम श्रीनाथ प्रसाद, मैं एक एडवोकेट हूँ, एक बस्ती है अपने नागपुर में जिससे बिजनेसमैन ओम लेना चाहता था, उस मिनिस्टर समीर की मदद से और उस पुलिस वाले की मदद से। वो बस्ती वाले मेरे पास आए, मुझे केस लड़ने के लिए कहा, मैंने भी उनका केस ले लिया। उन लोगों ने मुझे धमकी दी, उस केस से हटने के लिए कहा, और जब मैंने नहीं माना तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे परिवार को गोली मार दी सालों। मेरी आंखों के सामने, और फिर उसे एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन उस डॉक्टर ने क्या किया? उस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा। सबके सब बिके हुए हैं सर, इसीलिए मैंने सबको मार डाला सर। तो तुमने अपने बदले के लिए कानून को हाथ में क्यों लिया? सर जंगल में सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं, इसीलिए हमें तड़ा बनना पड़ा सर। पता करो ये सही बोल रहा है या नहीं। सर ये देखिए सर। क्या सर? पुलिस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से इसका स्टेटमेंट सही है, लेकिन उस इंसिडेंट से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? सर ये एडवोकेट श्रीनिवास की मौत 4 साल पहले ही हो गई है। तो फिर ये कौन है? सारे डॉक्यूमेंट से मैच करो। सारे रिकॉर्ड में इसका कोई नाम नहीं है। क्या? तो फिर ये क्या आसमान से टपका? मुझे कैसे पता? मैंने एक फोटो भेजा है, उसके बारे में कोई भी डिटेल, हर एक सेक्टर से पता, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट हर एक सेक्टर से पता। सर ही इज अ मेंटल पेशेंट, हिज नेम इज आर्यन मिश्रा, ही एस्केप फ्रॉम द निकमल मेंटल हॉस्पिटल इन 24 नवंबर। वो एक मेंटल पेशेंट है? यस सर। सर हमारा एक बहुत ही खतरनाक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग चुका है। डॉक्टर सच क्या है? इंस्पेक्टर इसे पार्किंसंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। 1913 में इस बीमारी सबसे पहले पाया गया था। इस बीमारी में पेशेंट अलग अलग किरदारों पर आ जाता है, उसे हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अब क्योंकि अब जो घटना बता रहे हैं ये उसके सामने हुआ है, जिससे उसके दिमाग पर बहुत अफेक्ट हुआ है, इसलिए वो अपने आप को श्रीनिवास की जगह रखकर ये सब काम कर रहा था। मिस्टर आर्यन ने जो किया वो उनकी बीमारी का एक हिस्सा था, फिर भी वो हमारे समाज के लिए हानिकारक है, इसीलिए उनके ट्रीटमेंट के बाद ये अदालत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
उसने सही कहा था। जब मुझे सच्चाई की पता चली तो मैंने पुलिस की नौकरी ही छोड़ दी। हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर के होते हुए हमारे चारों ओर कितना कुछ गलत हो रहा है। सच्चाई जानने के बाद मुझे खुद पर घिन आने लगी, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी।